तस्वीरें देख सकते हैं अयोध्या से श्री राम मंदिर के बिल्कुल बाहर से, जहां पर आप देख सकते हैं देश भर के सभी कलाकार यहां पर पहुंचे हुए हैं, अलग अलग प्रदेशों से कलाकार पहुंचे हुए हैं। और कुछ ही देर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसी रूट से बताया जा रहा है पहुंचने वाले हैं। आप ये लाइव वीडियो देख सकते हैं, पूरे अयोध्या को बड़े खूबसूरती से सजाया गया है। देश भर से कलाकार अयोध्या में पहुंचे हैं, जिसकी लाइव वीडियो इस समय आप देख सकते हैं। बुंदेलखंड से आप देख सकते हैं जो स्पेशल कलाकार हैं वो यहां पर पहुंचे हैं बुंदेलखंड से। अयोध्या से दिखा रहा है, श्री राम मंदिर के बाहर से दिखा रहा है। हालांकि अभी मंदिर के अंदर मीडिया को जाने की इजाजत नहीं है, लेकिन आप देख सकते हैं देश भर से जो कलाकार हैं वो यहां पर पहुंचे हुए हैं। देश भर के सभी प्रदेशों से कलाकार पहुंचे हुए हैं। तस्वीरें देख सकते हैं, 10:15 10:30 बजे का समय है तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर पहुंच जाएंगे। हालांकि जितने भी दो गेस्ट आमंत्रित किए गए हैं देश भर से वो यहाँ पर पहुंचना शुरू हो चुके हैं। ये मुख्य रास्ता है जहाँ से सभी वीवीआईपी पहुंच रहे हैं, जिसकी लाइव वीडियो इस समय हम आपको दिखा रहे हैं। आप देख सकते हैं देश भर से अलग अलग कलाकार, अलग अलग प्रदेशों के जो लोक नृत्य हैं उसको लेकर यहाँ पर पहुंचे हुए हैं, जिसकी लाइव वीडियो इस समय आप सीधा अयोध्या से देख सकते हैं। ये देखिए, अलग अलग लोक नृत्य लेकर जो कलाकार हैं वो इस समय अयोध्या में पहुंचे हुए हैं, जिसकी तस्वीरें इस समय सीधा श्री राम मंदिर के बाहर से आप देख सकते हैं, जहां पर अलग अलग लोक नृत्य लेकर जो कलाकार हैं देश भर से वो यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। ये देखिए, अब हमको बाहर का रास्ता जहाँ पर सभी जो मुख्य अतिथि हैं वो यहाँ पर पहुंचना शुरू हो चुके हैं। आप देख सकते हैं सभी साधु संत महाराज भी पहुंचे हुए, उनसे भी जानना चाहेंगे कहाँ से पहुंचे हैं महाराज जी। अब यही आश्रम है मेरा। क्या कहना चाहेंगे, रामलला जी आ रहे हैं? बहुत अच्छे, जय श्री राम, जय श्री राम, राम 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 राम, बहुत सुंदर, बहुत अच्छे, बहुत सुंदर। आप देख सकते हैं किस तरह से बड़े खूबसूरती से पूरे अयोध्या को सजाया गया है। आप देख सकते हैं राममयी माहौल देखा जा सकता है। अयोध्या श्री राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम कुछ ही देर में शुरू हो जाएगा, लेकिन उससे पहले इस समय आप ये लाइव वीडियो देख सकते हैं, जहाँ पर बड़े खूबसूरती से इस पूरे इस मुख्य रास्ते को सजाया गया है। और कुछ ही देर में जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं और अन्य जो वीवीआईपी हैं, हालांकि वो तो पहुंचना शुरू हो चुके हैं, प्रधानमंत्री कुछ ही देर में बताया जा रहा है कि यहां पर पहुंचने वाले हैं। ये देखिए, ये जितने भी इस समय आपको वीआईपी जाते हुए नजर आ रहे हैं, ये सीधा श्री राम मंदिर की जो आगे पार्किंग बनाई गई है वहां पर इस समय जा रहे हैं। और आप देख सकते हैं बड़े खूबसूरती से इस पूरे रास्ते को सजाया गया है, बड़े खूबसूरती से इस रास्ते को पूरे सजाया गया है। श्री राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम जो कुछ ही देर में यहाँ पर शुरू होने वाला है। और देश भर से आप देख सकते हैं, देश भर के सभी प्रदेशों से जो कलाकार हैं अपने अपने लोक गीत लेकर पहुंचे हैं। आप ये लाइव वीडियो देख सकते हैं किस तरह से सभी
देश भर के कलाकार इस समय अयोध्या में पहुंचे हैं, अपने अपने प्रदेश के लोकगीत लेकर, लोक नृत्य लेकर। आप देख सकते हैं इस समय आपको अयोध्या से सीधी लाइव तस्वीरें इस समय हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर पूरा माहौल राममयी हुआ है, जिसकी लाइव वीडियो इस समय आप सीधा अयोध्या से देख सकते हैं। लोगों में काफी जोश और उत्साह देखा जा सकता है, लोगों में आप देख सकते हैं महिलाएं हो, बुजुर्ग हो, हर कोई पूरी तरह से इस माहौल में रमा हुआ नजर आ रहा है। भगवान श्री राम के आगमन को लेकर आप देख सकते हैं, उनके प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम को लेकर। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। किस तरह से पूरी तैयारियों में जुटे हुए हैं सभी लोग और बड़े बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं अयोध्या से। इस समय आप ये लाइव वीडियो इस समय आप देख सकते हैं किस तरह से सभी कलाकार, चाहे वो उत्तर प्रदेश के अलग अलग इलाके से हो, बिहार से हो, बुंदेलखंड से हो, छत्तीसगढ़ से हो, सभी प्रदेशों के अलग अलग लोक नृत्य लोकगीत आपको यहाँ पर नजर आ जाएंगे, जिसकी लाइव वीडियो इस समय आप देख सकते हैं। इस समय आप ये लाइव वीडियो देख सकते हैं किस तरह से बड़ी संख्या में जो कलाकार हैं वो यहाँ पर अपने अपने प्रदेशों के लोक नृत्य करते हुए आपको नजर आ जाएंगे। तो लगातार आपको इस समय अयोध्या से करनाल ब्रेकिंग न्यूज इसी तरह से आपको लगातार कवरेज दिखाता रहेगा। ये लाइव तस्वीरें इस समय आप देख सकते हैं, हालांकि हम परसों रात को यहाँ पर पहुंचे थे, आज का दिन भी यहीं पर है, कल का दिन भी यहीं पर है, और आपको परसों तक यानी कि 24 तक इसी तरह से आपको लाइव तस्वीरें दिखाते रहेंगे। ये समय तस्वीरें जो आप देख रहे हैं अयोध्या श्री राम मंदिर के बाहर जो मुख्य रोड है, जहां पर इस समय सभी वीवीआईपी पहुंचना शुरू हो चुके हैं और कुछ ही देर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां पर पहुंचने वाले हैं। देश भर के अलग अलग राज्यों से जो सभी कलाकार हैं वो भी यहां पर इस समय अपनी प्रस्तुति, लाइव प्रस्तुति करते हुए नजर आ रहे हैं, जिसकी लाइव तस्वीरें समय देख सकते हैं। इस तरह से जो देश भर के अलग अलग इलाकों से कलाकार है वो अपने समय लाइव प्रस्तुति देते हुए नजर आ रहे हैं अयोध्या से। इस समय आप श्री राम मंदिर के बाहर से ये लाइव वीडियो इस समय आप देख सकते हैं, बड़ी संख्या में कलाकार यहां पर पहुंचे हुए हैं और सभी भक्तजन जो है आप देख सकते हैं श्री राम मंदिर के दर्शनों के लिए यहाँ पर कई कई दिनों से इंतजार कर रहे हैं। प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम कुछ ही देर में शुरू हो जाएगा और हालांकि आम लोगों के लिए 24 तारीख को बताया गया है, 24 तारीख को जो गेट है श्री राम मंदिर के आम लोगों के दर्शनों के लिए वो 24 तारीख को खुलेंगे और कलाकार इस समय आप देख सकते हैं अपनी लाइव प्रस्तुति देते हुए इस समय आपको नजर आ जाएंगे। अलग अलग प्रदेशों से इस समय सभी कलाकार पहुंचे हुए हैं इस समय अयोध्या राम मंदिर के बिल्कुल बाहर का जो मुख्य द्वार है आप देख सकते हैं, बड़े खूबसूरती से इस पूरे द्वार को सजाया गया है। सामने इस समय आपको लता मंगेशकर चौक नजर आ रहा होगा और यहां से जो सभी वीआईपीज हैं वो श्री राम मंदिर के रास्ते में जाते हुए आपको नजर आ जाएंगे। ये लाइव तस्वीर इस समय आप देख सकते हैं, सभी कलाकार यहाँ पर मौजूद है और अलग अलग प्रदेशों से अपनी जो लोक नृत्य हैं, लोक डांस हैं, लोक गीत हैं, वो इस समय प्रस्तुत करते हुए नजर आ रहे हैं, जिसकी लाइव तस्वीरें देख सकते हैं। आप ये लाइव तस्वीरें समय अयोध्या से देख सकते हैं। अयोध्या में इस समय जहां पर आप ठीक मेरे पीछे इस समय जो रास्ता देख रहे हैं ये वही वीआईपी रास्ता है जो सीधा श्री राम मंदिर की तरफ जाता है। इस समय आप ये लाइव वीडियो देख सकते हैं, बड़ी संख्या में एहतियात के मद्देनजर हालात की सुरक्षा की दृष्टि से पुख्ता इंतजाम यहां पर किए गए हैं और जो सभी भक्तजन है आप देख सकते हैं सुबह से यहां पर इंतजार करते हुए नजर आ रहे हैं कि जब श्री राम मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम होगा और उसके बाद जो है जब 24 तारीख को उनके लिए जो दर्शनों के लिए जब द्वार खुलेंगे तो वो वहां पर जरूर पहुंच पाएंगे। और इस समय आप देख सकते हैं कि किस तरह से उत्तर प्रदेश पुलिस की तरफ से सुरक्षा की दृष्टि से चाक चौबंद इंतजाम यहां पर किए गए हैं, जिसकी लाइव वीडियो इस समय आप देख सकते हैं। और सामने हम आपको इस समय दिखाना चाहेंगे बड़ी संख्या में जो सभी भक्तजन हैं आप देख सकते हैं किस तरह से इंतजार करते हुए नजर आ रहे हैं, जय श्री राम के जयकारे लगाते हुए नजर आ रहे हैं। ये लाइव वीडियो इस समय आप सीधा अयोध्या से इस समय आप देख सकते हैं। किस तरह से पुलिस प्रशासन की तरफ से भी पुख्ता इंतजाम यहां पर किए गए हैं, हालांकि
यहाँ से मीडिया को आगे जाने की इजाजत नहीं है, लेकिन आप देख सकते हैं जो सभी मीडिया पर्सन है वो यहीं से समय आपको कवरेज करते हुए नजर जरूर आ जाएंगे। और सामने जो वीआईपी रास्ता है, यहीं से सभी जो बुलाए हुए सभी जो मुख्य अतिथि हैं वो इस समय यहाँ पर देश भर के अलग अलग इलाकों से पहुंचते हुए नजर आ रहे हैं, चाहे उसमें बॉलीवुड जगत की हस्तियां हों, उद्योगपति हों, या फिर साधु संत जो देश भर के अलग अलग इलाके से बुलाए गए हैं वो हों। और इस समय आप देख सकते हैं ये सामने आपको लता मंगेशकर जो चौक है, मुख्य चौक अयोध्या का है, वहां से इस समय आप ये सीधी तस्वीरें देख सकते हैं। श्री राम मंदिर का रास्ता यहां से महज 1 से 1.5 किलोमीटर का है और ये मुख्य द्वार है अयोध्या का, जहां से इस समय आप ये सीधी लाइव तस्वीरें इस समय अयोध्या से आप देख सकते हैं। कुछ ही देर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां पर पहुंचने वाले हैं। देख सकते हैं जो सभी इनोवा गाड़ीज आपको नजर आ रही है, ये वो अतिथि है जिनको आमंत्रित किया गया है, वो चाहे वो मुंबई से हो, आसाम से हो, कलाकार हो, औद्योगिक घरानों से हो, और बहुत सी ऐसी हस्तियां हैं जिसमें रणदीप हुड्डा हो, बहुत से ऐसे बॉलीवुड के कलाकार, चाहे वो क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर हो, कंगना रनौत हो, सभी यहां पर पहुंचे हुए हैं। उन्होंने अपना अपना स्टेटस इस समय फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर जरूर डाला हुआ है, जैसे ही वे अयोध्या पहुंचना शुरू हो चुके हैं। इस समय लगातार आप ये तस्वीरें सीधा अयोध्या से इस समय आप देख सकते हैं, और लगातार हम आपको इसी तरह से लाइव कवरेज आपको दिखाते रहेंगे। आप देख सकते हैं बड़ी संख्या में जो पुलिस सिक्योरिटी है उत्तर प्रदेश पुलिस की, वो यहां पर लगा दी गई है, पूरी टाइट सिक्योरिटी कर दी गई है, क्योंकि कुछ ही देर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां पर पहुंचने वाले हैं। आप देख सकते हैं लगातार पुलिस अधिकारियों की जो गाड़ियां हैं वो सुरक्षा घेरा और सख्त करती हुई नजर आ रही है, ये देखिए बड़ी संख्या में पुलिस की गाड़ियां इस समय यहां से रवाना होती हुई नजर आ रही है, और पुलिस प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद खड़ा हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि कुछ ही देर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां पर पहुंचने वाले हैं। लगातार आप देख सकते हैं इस समय ये देखिए ये वार्निंग कार है, जो वीआईपीज हैं वो पहुंचना शुरू हो चुके हैं। ये लाइव तस्वीरें देख सकते हैं किस तरह से जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री का काफिला है वो पहुंचता हुआ नजर आ रहा है। उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं उनका काफिला इस समय नित्यनाथ, इस समय उत्तर प्रदेश के जो चीफ मिनिस्टर हैं वो इस समय यहां से पहुंचते हुए नजर आ रहे हैं। उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री का काफिला, उत्तर प्रदेश की जो मुख्यमंत्री है योगी आदित्यनाथ, उनका काफिला इस समय यहां से जाता हुआ नजर आ रहा है। लगातार ये समय उनके काफिले की गाड़ियां आप देख सकते हैं, जहां पर उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं वो तो पहुंच चुके हैं, और कुछ ही देर में जो प्रधानमंत्री हैं वो भी यहां पर पहुंचने वाले हैं। लगातार आप ये लाइव कवरेज इस समय आप देख सकते हैं, सीएम यूपी योगी आदित्यनाथ जो है इस समय यहां पर पहुंच चुके हैं। लाइव वीडियो इस समय आप सीधा जो वीआईपी एरिया है सीधा इस समय हम आपको वहीं से लाइव कवरेज दिखा रहे हैं। उत्तर प्रदेश के जो सीएम हैं योगी आदित्यनाथ वो अभी यहां से निकले हैं, वो कार्यक्रम के लिए निकले हैं, कार्यक्रम में पहुंच चुके हैं, और अब सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आने का इंतजार किया जा रहा है, और उसके बाद बताया जा रहा है कि वो सामने घाट पर स्नान करने के बाद श्री राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। तो ये लाइव तस्वीरें इस समय आप देख सकते हैं, सुरक्षा का कड़ा पहरा देखा जा सकता है। और लगातार जितने भी आए हुए मुख्य अतिथि हैं वो यहां पर आप देख सकते हैं इस समय पहुंचते हुए नजर आ रहे हैं। ये देखिए फिर से जितने भी जो मंत्रीगण हैं सीएम के काफिले के साथ, जो उत्तर प्रदेश सरकार के जो मंत्री हैं, विधायक हैं, वो भी कुछ एक सिर्फ बुलाए हैं, सभी नहीं बुलाए आप देख सकते हैं, क्योंकि सभी स्टेट्स के मुख्यमंत्रियों को भी निमंत्रण नहीं दिया गया, कुछ एक जो है वो ही यहां पर पहुंचे हैं जो लीडर्स हैं, लेकिन देश भर से जो साधु संत हैं उनको, बड़े बड़े साधु संत को भी यहां पर निमंत्रण दिया गया है, बड़े बड़े उद्योगपति हों, बॉलीवुड के कलाकार हों, क्रिकेट जगत से जुड़ी हुई बड़ी बड़ी हस्तियां हों, स्पोर्ट्स से जुड़ी हुई, अलग अलग खेलों से जुड़ी हुई बड़ी हस्तियां हों, उनको निमंत्रण जरूर दिया गया। और इस समय आप देख सकते हैं सुरक्षा पहरा और कड़ा किया जा रहा है, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कुछ ही देर में पहुंचने वाले हैं। आप ये लगातार लाइव वीडियो देख सकते हैं, कुछ ही देर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का काफिला इस वीआईपी रूट से अंदर एंटर करने वाला है, जिसकी लाइव तस्वीरें इस समय आप सीधा देख सकते हैं, और लगातार आपको इसी तरह से ये लाइव कवरेज हम आपको दिखाते रहेंगे। आप देख सकते हैं जितने भी जो वीआईपी हैं वो इस समय पहुंचना शुरू हो चुके हैं, क्योंकि 10:30 बजे के समय, 10:30 बजे का समय रखा गया है प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम का, उससे पहले
स्नान करेंगे, इस तरह की जानकारी है। जो घाट है यहाँ पर, वहां पर पूजा करने के बाद आगे जो श्री राम मंदिर में मुख्य कार्यक्रम है वहां पर पहुंचेंगे। तो ये लाइव तस्वीरें इस समय आप देख सकते हैं, लगातार जितने भी जो चीफ गेस्ट हैं वो यहाँ पर पहुंचते हुए नजर आ रहे हैं, जो अतिथि हैं जिनको निमंत्रण दिया गया है, देश भर के, चाहे वो औद्योगिक घरानों से जुड़े हुए हों, बॉलीवुड की हस्तियां रही हों, क्रिकेटर्स हों, स्पोर्ट्स के प्लेयर्स हों, उनको निमंत्रण दिया गया है। तो वो सभी यहाँ पर एक एक करके पहुंचते हुए नजर आ रहे हैं। और अभी कुछ ही देर पहले हमने आपको दिखाया था कि किस तरह से सीएम योगी आदित्यनाथ वो भी यहाँ से अभी अभी निकले हैं, और उसके बाद अब सुरक्षा घेरा और सख्त किया जा रहा है, आप देख सकते हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस समय कुछ ही देर में पहुंचने वाले हैं। आप देख सकते हैं कुछ ही देर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का काफिला यहां पर पहुंचने वाला है, और सीधा वह यहीं से श्री राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम की तरफ रवाना होंगे, जिसकी लाइव तस्वीरें समय सीधा आप अयोध्या से देख सकते हैं। अयोध्या का ये मुख्य वीआईपी रास्ता है, जहां से सभी जो आप देख सकते हैं अतिथिगण हैं जिनको इनविटेशन दिए गए हैं, सिर्फ उन्हीं को जाने की इजाजत है। सुरक्षा पहरा और कड़ा कर दिया गया है, क्योंकि कुछ ही देर में पीएम नरेंद्र मोदी यहां पर पहुंचने वाले हैं। आप देख सकते हैं समय प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम, जो श्री राम मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम है, उसको लेकर यूपी सरकार की तरफ से, प्रशासन की तरफ से पूरी तैयारियां लगातार जो है की जा रही थी। और इस समय लगातार हम आपको 3 दिनों से सीधा अयोध्या से श्री राम मंदिर के बाहर से आपको लगातार लाइव कवरेज इस समय हम आपको दिखा रहे हैं, और हमारी ये कवरेज आगे भी इसी तरह से 2 से 3 दिन लगातार जारी रहेगी, ताकि आपको मंदिर के दर्शन भी कराए जा सके। करनाल ब्रेकिंग न्यूज अपनी जिम्मेवारी निभाते हुए, एक जिम्मेवार पत्रकार होने के नाते अपनी टीम के साथ यहाँ पर पहुंचे हैं, क्योंकि बहुत से लोगों के लगातार फोन हमारे पास आ रहे थे, चाहे वो विदेश में रहने वाले हमारे बहन भाई हों, परिवार हों, लगातार चाह रहे थे कि करनाल ब्रेकिंग न्यूज उनको लगातार हर चीज की कवरेज जरूर दिखाता है, और वो श्री राम मंदिर का पूरा प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम आपको लगातार लाइव कवरेज दिखाएगा। हालांकि महीना पहले ही हमने यहाँ पर बुकिंग्स करा दी गई थी, जो परमिशंस हैं वो ले ली गई थी, आप देख सकते हैं मीडिया परमिशंस जो है इस समय हमने जो है महीना काफी दिन पहले ही जो है अप्लाई कर ली गई थी, और उसके बाद जो है इस समय हम यहाँ पर पहुंच पाए हैं, आप देख सकते हैं, क्योंकि सुरक्षा की दृष्टि से काफी कड़ा पहरा यहाँ पर था, अब ये लाइव तस्वीरें इस समय आप सीधा देख सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो काफिला है वो कुछ ही देर में यहाँ पर पहुंचने वाला है, सुरक्षा की दृष्टि से चाक चौबंद इंतजाम किए गए हैं, और लगातार करनाल ब्रेकिंग न्यूज आपको इसी तरह से ये लाइव कवरेज लगातार आपको दिखाता रहेगा। हम उम्मीद करेंगे कि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इस वीडियो को आप जरूर पहुंचाएगा, क्योंकि कुछ ही देर में हम आपको दोबारा से लेकर पहुंचेंगे और दिखाएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब पहुंचेंगे। कुछ ही देर में दोबारा से मिलते हैं। जय श्री राम।